एंड जय श्री राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आज फ्रेंड्स मैं आपको फिर से अपना घर का जो एक DIY है मैं वो बता रही हूँ। गाइज मैंने ना इस लकड़ी के ये एक वेस्ट लकड़ी का गल्ला था और मैंने इसे कबाड़े में से लिया है और इसमें मैंने ना ये गुटके अटैच किए कील से और इसमें ड्रेनेज होल बनाया है। ये देखिए है तो ये प्लाई पर मैंने फ़िलहाल वेस्ट था जिस तरीके से तो मैंने इसमें एक थोड़े छोटे छोटे केस में पानी ना रुके और उसके बाद मैंने इसे करा थोड़ा सा पेंट। अब पेंट करने के बाद गाइस इसकी शक्ल देख रहे हैं आप कैसी हो चुकी है। मैं नीचे से दिखाती हूँ ये कैसा था क्योंकि नीचे मैंने पेंट नहीं किया है। ये देखिए नीचे ये ना ऐसा था और ऊपर से इसकी शक्ल और भी ख़राब थी क्योंकि इसी गले को ना चूहे ने काट दिया था। यहाँ पर मैंने ना सीमेंट लगाई चूहे ने काट रखा था पूरा इतना। तो इसको थोड़ा सा अच्छा आकार देने के बाद मैंने ना इसमें ये रखा है। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और दिखाती हूँ मैं आपको। ये रखा है ये देखिए। सो गाइस मैंने इसमें ना ये वाला प्लांट्स रखा है और इसको एज इट इज़ आप कहीं पे भी रख दें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। ये देखिए तो इसकी लताएं ना बाहर आ रही हैं और आप चाहें तो इसमें डंडा लगा सकते हैं। मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए लग रहा है ना खूबसूरत। तो इसमें आप कोई और भी प्लांट्स रख सकते हैं। मैंने तो ये मॉइस्चरा रखा है आप कुछ और आपका अगर मन करे तो रख सकते हैं गाइस। तो कई बार कबाड़ की चीज़ें जो उठा करके हम उसमें DIY कर देते हैं कुछ अच्छा सा सोच के दिमाग लगा के वो भी कई बार खूबसूरत निकल के आता है। जैसे कि ये रखने के बाद कैसा लग रहा है दूर से मैं वो दिखाती हूँ आप। ये देखिए दूर से कुछ ये पाए ही नीचे आप इसको इंडोर रखना चाहें कहीं तो बहुत खूबसूरत रखेगा। ज़मीन पर रखा होगा बहुत ही ज़्यादा। तो एक एक करके मैं कबाड़े के सामान से कुछ ऐसा कर रही हूँ जो ये एक एक सामान मेरा फेस्टिवल पर नीचे जाएगा ना माइंड ब्लोइंग। मेरा घर है ना ग्रीनरी से बहुत खूबसूरत लगेगा और ये जो आइटम रेडी हो रही है ना ये भी घर की जो साज और सजावट है उसमें बहुत हेल्प करेगी और हमारे जो नॉर्मल से प्लांटर हैं और या प्लांट्स हैं वो कुछ खास नज़र आने लगेंगे इस तरीके से। जैसे ये आ रहा है लग रहा है ना। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ों से कई बार ऐसा होता है कि खूबसूरती तो वैसे भी ग्रीनरी की लाजवाब होती है जिसका कोई जवाब नहीं है पर अगर हम इस खूबसूरती को थोड़ा सा कुछ DIY करके यानी कि कुछ जुगाड़ लगा के हम तो वैसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले गार्डनर्स नहीं हैं। कई बार तो क्या होता है कि खूबसूरत प्लांट्स को खूबसूरत प्लांटर्स मिल जाए। मार्केट में बहुत सारे प्लांटर्स ऐसे आ रहे हैं जो अगर हमारे इन प्लांट्स के साथ अटैच कर दिए जाएँ तो चार चांद लग जाएंगे। बट मैं बगैर पैसे खर्च करे ही कुछ ऐसा कर लेती हूँ जो बहुत खूबसूरत लगता है। गाइस मैंने कल रेडी किया है ये प्लांटर और कल से अब तक मैं इसी को देख रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और उसके साथ मैंने ये दो प्लांटर हैं इस वाले प्लांट्स के जो सेरेमिक पॉट है उसको मैंने इन दोनों को इसी में रख दिया। एक जैसे प्लांट्स लगाए थे मैंने सजाने के लिए अलग अलग बट अब ये एक साथ रख के जो दिख रहे हैं ना निकल के आए हैं अब इनका तो क्या ही कहना बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस तरीके से। देखिए तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप भी ट्राई करें इस तरीके से गाइस। बहुत खूबसूरत प्लांट है और कहाँ से देख रहे हैं मुझे मेरी वीडियो को वॉच कहाँ से कर रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी खूबसूरत अपडेट्स के साथ। आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी ये वाला जो प्लांट है ये वाटर लविंग प्लांट है इसको मॉइस्चर पसंद है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो जल्दी से अपने घर में लगा लें इसको
और स्प्रे करते रहें पानी का, बहुत खूबसूरत चलने वाला प्लांट्स है गाइज। बाय फ्रेंड्स।